तुम सब थे ना मर्द, लेकिन ये हादसा, ये घटना नहीं हुई होती ना तो तुम्हारी सात पुश्तें भी पता नहीं कर पाती मन्नू और प्रीत के बीच का फर्क। अरे शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, जिस माँ बेटी ने अपनी पूरी जिंदगी दे दी तुम लोगों की सेवा करने में, तुम लोगों को इंसाफ दिलवाने में, उसके साथ ऐसी हरकत करते हुए सिर्फ इसलिए क्योंकि ये सारे फैसले लड़के ने नहीं लड़की ने लिए हैं। अगर है हिम्मत तो बदल दो वो सारे फैसले जो मैंने लिए थे। मंगरू, हे मंगरू, जा दे अपने सारे खेत अपने भाई को, जा दे। और तू लल्लन, बेटी की शादी कराई थी ना तूने बिना दहेज के, जा बेचा अपने खेत और दे दे अपनी जमीन वमीन सारा दहेज में अपने समधियों को। ये फैसले सही लगे क्योंकि उसमें सहूलियत तुम्हारी थी। अब हम फैसले नहीं ले पाएंगे और इसमें भी सहूलियत तुम्हारी ही है। पर जो भी है, एक लड़की कभी शान नहीं बन सकती। अरे तुम मुझे क्या बताओगे कि मैं शाह बन सकती हूं या नहीं? मैं खुद इनकार करती हूं तुम जैसे लोगों का शाह बनने से। नहीं बैठना शाह की कुर्सी पर। जगन चाचा बनेंगे तुम लोगों के नए शाह, पवनियों के शाह। लड्डू के भैया, अंगूर ये कुछ ज्यादा हो रहा है। लड्डू के भैया, देवी तुमने लाइट क्यों ऑन कर दी यार? तुम यहाँ हो तो रजाई में कौन? कंबल के अंदर मैं हूँ सेठ जी। I like it. Ah, God. जो दुनिया में मेरी सबसे प्यारी चीज छीनने की कोशिश करेगा उसकी सारी दुनिया मैं खत्म कर दूंगी। उनका एक्सीडेंट हो गया था। अभी यही बताने आपको यहाँ लाए ताकि अभीर मामा से मिल भी लो। पर तूने तो कहा था कि वो दिल्ली में है, वो आने वाला है। बाबा आ गए? पुलिस ने जरूर उस विजय से पैसे लिए होंगे। अभी जूनियर इंस्पेक्टर का फोन आया था, कोई कौशल है जिसके सीसीटीवी हैक होने के नाम पर वारंट निकाला गया है। पर तू चिंता मत कर, मैं उस विजय को सजा दिलवा कर ही रहूंगा। अब पापा, मैं निक्की के घर जा रही हूँ।
आपने जो कुछ भी कहा है वही करूंगी। आपने जो रास्ता दिखाया है, साम दाम दंड भेद, उसी की नीति अपनाऊंगी और ये बड़ों को अपने घर की खुशियों से दूर रखूंगी। फिर उसके लिए मुझे चाहे कठोर से कठोर कदम उठाना पड़े, जो संभव कोशिश होगी मैं करूंगी।